नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पार्ट वन में हमने नेपाल में स्थित कुछ प्रसिद्ध स्थलों के बारे में जानकारी हासिल की थी। आज हम और कुछ इंटरेस्टिंग स्थलों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो दोस्तों, चलिए नेपाल की सैर करें। कुमारी घर काठमांडू दरबार नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है और यह एक प्राचीन दरबार वाणिज्य है, जहां नेपाल की राजपरिवार की परंपरागत कुमारी यानी दिव्य पुत्री की दर्शनी करते हैं। भक्तपुर दरबार स्क्वायर नेपाल के भक्तपुर शहर में स्थित है और यह एक प्राचीन दरबार स्क्वायर है जिसमें पुरानी नेपाली संस्कृति और कला की अनमोल धरोहर है। ये स्थल नेपाल के पर्यटन संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है और दुनिया भर के लोगों को अपने विविधता और प्राचीन धार्मिक धरोहर का अनुभव करने का मौका देते हैं। भक्तपुर नेपाल का एक प्राचीन शहर है जिसे अपनी संरक्षित संस्कृति और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। ये काठमांडू घाटी का हिस्सा है और प्राचीन मंदिरों, जटिल लकड़ी काम और पारंपरिक नेवारी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। पुराने विंटेज लकड़ी के इमारतों के बारे में बात करते हुए, भक्तपुर में ऐसी कई इमारतें हैं। इन संरचनाओं में अकड़ा छेदन, पारंपरिक वास्तुकला होती है और ये कई पीढ़ियों से खड़ी हैं, शहर की धरोहर की श्रेष्ठता को दिखाने वाली हैं। इन इमारतों में कुछ कई सदियों पुरानी हैं और नेवार लोगों की शिल्पकला की प्रमाणित करती हैं। श्री समर्थनाना टूर्स एंड ट्रॅव्हल्स सासवडच्या वतीने आपल्या सर्वांचं भक्तपूर येथील हार्दिक स्वागत। भक्तपूर येथील ही जी समोरची पाच मजल्याची इमारत दिसते ना, फार सुंदर आहे। बघा, पहिला, दुसरा, तिसरा, चौथा, पाचवा। 2015 प्रचंड भूकंप येऊनही या मंदिराला काही झाला नाही, धक्का नाही। याचं वैशिष्ट्य बघा, पहिल्यांदा मानव आहे, मनुष्य प्राणी, म्हणजे थोडक्यात लक्षात ठेवा, पैलवानी माणसापेक्षा हत्तीला धापट शक्ती असते। हत्तीच्या मागे कोण आहे? सिंह। हत्तीपेक्षा सिंहाला धापट शक्ती असते, त्याच्या मागे गरुड आहे, सर्व शक्तिमान कोण आहे? गरुड, त्याच्यापेक्षा धापट। आणि सगळ्यात अंतिम सत्य परमेश्वर, लक्षात आलं? आतमध्ये सिद्ध लक्ष्मीची मूर्ती आहे। त्याच्यानंतर बघा, ही इमारत पहिली भैरवनाथ आहे ना, प्रत्येक गावागावात गावाचा राखणदार आणि आपलं एक प्रतीक म्हणून भोलेश्वर महादेव नेपाल के काठमांडू शहर के पास स्थित है और यह एक महत्वपूर्ण हिंदू धार्मिक स्थल है जो भगवान शिव को समर्पित है। सांगहा नेपाल में स्थित है, जहां भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्वतीय पर्यटन स्थल है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों की सैर करने के लिए श्री समर्थ नाना टूर्स के श्री प्रदीप कुंजीर सर और श्री मकरंद सर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9405815564 और 9730044509। श्री समर्थ नाना टूर्स सासवड आणि सावकार दादा प्रतिष्ठान वाघापूर यांच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांचं कैलाशनाथ महादेव सांगा येथे हार्दिक स्वागत। आता आपण उभे आहोत कैलाशनाथ महादेवाची मूर्ती आहे जी आशिया खंडातली शंकराची उभीची उभ्या मूर्त्यापैकी एक सर्वात उंच मूर्ती, 141 फूट तिची उंची आहे। या मूर्तीचं जे उद्घाटन आहे
ते त्यावेळेसचे टुरिझम मंत्री जे होते नेपाळचे, त्यांचं नाव होतं शरद भंडारी साहेब. तर त्यांनी जून मध्ये या मूर्तीचं उद्घाटन केलं होतं. आपण या मूर्तीसोबत फोटो काढलेत सगळ्यांनी, ओके. त्यानंतर दर्शन घ्यायचं आणि काढत जायचं. चला एक मिनिट, चला अजून रिलॅक्स मध्ये फोटो काढा. तुमच्याकडे 20-25 मिनिटं आहेत, तरी मला खाली जायचं असेल तर वॉशरूम आहे, नाहीतर हॉटेलला अर्धे तासात जाणार आहे आपण. चला या, कोण कोण येत? श्री समर्थनाना टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स सासवड आणि सावकारदादा प्रतिष्ठान वाघापूर यांच्या वतीनं पोखराजवळील सारंगकोट या ठिकाणी आपलं हार्दिक स्वागत. आपण आता या सकाळच्या वेळी सूर्योदयाच्या वेळी सूर्योदय पाहायला येत आलेलो आहे. हा सनराईज होते, सूर्य उगवतोय आणि सूर्य उगवत असताना सूर्याची किरण या बाजूला बघा, इकडं हे अन्नपूर्णा शिखर आहे, त्याची रेंज आहे. हे बर्फाच्छादित हिमालयातील अन्नपूर्णा शिखराची रेंज आहे की ज्या अन्नपूर्णा मुक्तिनाथ नावाचं एक पवित्र शंकराचं देवस्थान आहे. फार मोठी यात्रा तिथं असते आणि ही सगळी अन्नपूर्णाच्या रेंजवर सकाळचा सूर्य उगवताना दिसतोय. मध्यभागी माछापूजा नावाचं शिखर आहे, त्याला फिस्टेल असं म्हणतात. कोट एक सुंदर सनराइज दर्शन स्थल है जहां आप अन्नपूर्ण पर्वत श्रेणी के सुंदर दृश्य का आनंद ले सकते हैं. फेवा झील पोखरा के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है और यह एक प्राकृतिक सौंदर्य और जलविहार का स्थल है. यह वीडियो हमें श्री समर्थ नाना टूर्स सासवड और सावकार दादा प्रतिष्ठान वाघापुर इनके सौजन्य से प्राप्त हुआ है. हमारा चैनल उनका आभारी है. दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद.